लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, जफर सुपारी का भाई माजिद खान शहर में है और इसका मतलब जानते हैं आप? भारी पैमाने में हथियारों, गोला बारूद और आरडीएक्स का मुंबई शहर में दाखिल होना। और सर, पूरे अंडरवर्ल्ड को जफर सुपारी गैंग की छत्रछाया में लाने का काम कर रहे हैं हमारे सीएम काशीनाथ त्रिवेदी। हाँ सर, मुंबई इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टेररिस्ट टारगेट। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? अगर वो जफर सुपारी दुबई में और काशी त्रिवेदी मुंबई में बैठकर किसी टेररिस्ट प्लान की फील्डिंग कर रहे हैं तो हम क्या भांड झोंक रहे हैं? चूड़ियां पहन रखी हमने? अरे पूरी मुंबई पुलिस फोर्स बिकाऊ नहीं है। एक साला पुलिस कमिश्नर बिका तो क्या हुआ? तू बिका? बोल, तू बिका? बता, तू बिका? तुम दोनों बिके क्या? साला मैं बिका? हम पुलिस है, कोई हड्डी नहीं। अरे वो क्या मुंबई शहर को टेररिस्ट मैप पे लाएंगे? टेरर मैप पे तो हम उन भड़वों को लाएंगे। आज के बाद आईएसआई हमारे टेरर मैप पे होगा, समझे? सर, 555 की लीड पर माजिद खान के हाइडआउट का पता चल गया है और अर्जुन सर वहां रेड डालने के लिए निकल चुके हैं। माजिद खान, तू तो गया। हमें वतन बिगड़ है, जिए तो जय मरे तो जय, आवतन तेरी छवि समारे, आनंद तेरी हम उतारे, कतरा कतरा लहू तेरा, इन हथियारों से दहशत फैलाने आया था ना तू? हाँ बोल माजिद। ये माजिद नहीं, माजिद की मौत बोल रही है। एसीपी अर्जुन रणावत। अर्जुन, अगर मेरे भाई के जिस्म पर एक भी खरोच आई तो मैं मुंबई आकर तुझे और तेरे सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। यही तो मैं चाहता हूं कि तू मुंबई आए। नहीं, तेरे भाई पर चौकड़ी मार दी, अब तू गोली की आवाज, चीख और अपने भाई की आखिरी सांसें सुन। नहीं नहीं अर्जुन, नहीं नहीं। Thank you.
May I come in, sir? Encounter specialist? Ow. कुछ याद आया एसीपी अर्जुन राणावत? हम कहे थे ना तोसे, एक दिन हम ई कुर्सी पर बैठेंगे और तू हमें सलाम करेगा। याद आया? ये गलतफहमी है तुम्हारी काशी त्रिवेदी। मैंने संवैधानिक पद इस कुर्सी को सलाम किया है, तुम्हें नहीं, क्योंकि इस कुर्सी पर बैठने वाले तो आते जाते रहते हैं। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा हैं? तेरे उस कमिश्नर का तो मैंने तबादला करवा ही दिया। गढ़चिरौली, महाराष्ट्र आंध्रा बॉर्डर, नक्सलवादी इलाका, यहाँ पानी की बूंद तक नसीब नहीं होगी। सिर्फ आतंकवादियों की गोलियां चारों तरफ बरसती रहेंगी। मौत से खेलना समर सिंह की जिंदगी का अंदाज है, लेकिन तुझ जैसे पढ़वे ये बात क्या समझेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें इस कुर्सी पे टिके रहने के लिए हर दो पांच सालों में कटोरा लिए वोटों की भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि जिस मुकाम पे मैं हूं मैं वहां अपनी काबिलियत से चुना गया हूं। अपनी औकात में रह, आज से हम तेरे मालिक और तू हमारा नौकर। नौकर मैं जनता का हूं, किसी के बाप का नहीं। आई एम अ पब्लिक सर्वेंट एंड सो आर यू। काम की बात कर, मुझे यहां क्यों बुलाया है? तो फिर सुन ले, गृह मंत्रालय मैंने अपने पास रखा है, इसलिए हम आदेश देते हैं। मुंबई के माफिया सरगनाओं की जानकारी का ये जो तूने डाटा बैंक तैयार किया है ना, ये मुझे दे दे। जानता था जिसके तलवे चाट कर तू उस मकाम पर पहुंचा है उसका बही खाता तू मुझसे जरूर मांगेगा। ये ले, संभाल के रख। कॉन्फिडेंशियल ये है असल। बहुत मेहनत की होगी तूने इसे बनाने में ना, मगर देखा, एक ही झटके में हमने इसे जलाकर खाक कर दिया। क्यों भैया, दिल तो बहुत दुखता होगा तुम्हारा, नहीं? नहीं, दिल तो बाप का दुखेगा चीफ मिनिस्टर साहब, और शायद दोहरा भी पड़ जाए, क्योंकि इसकी एक कॉपी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, दूसरी कॉपी प्रेसिडेंट्स ऑफिस, और तीसरी कॉपी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तेरे माफिया बाप बच नहीं पाएंगे जफर सुपारी के थल्ले। क्या कहा तूने? मुझे दल्ला कहा? मुझे काशी को दल्ला कहा? मुख्यमंत्री को दल्ला कहा? दो कौड़े के पुलिस अफसर तेरी औकात के हैं? काशी त्रिवेदी, इस उम्र में जब हड्डियां टूटती हैं तो बड़ी मुश्किल से जुड़ती हैं। हाथ नीचे कर। अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। Thank you.
एक देशभक्त, ईमानदार जनता के नौकर ने एक देशद्रोही, बेईमान जनता के नौकर को मारा है। काशी त्रिवेदी, अर्जुन रणावत नाम है मेरा। मैं मौत को तकिया और कफन को चादर बनाकर ओढ़ता हूं। जय हिंद। योर ऑनर, अर्जुन रणावत के साथ 15 सालों से काम कर रहे ऑफिसर्स को मैं पेश करने की इजाजत चाहता हूं। ये गवाह इस अदालत को बताएंगे कि अर्जुन रणावत कौन है, उसका कैरेक्टर क्या है और सत्य क्या है। इजाजत है योर ऑनर। ये वो अर्जुन रणावत है जिसे लोग मुंबई का शेर कहते हैं। माफिया वालों का तो सिर्फ इसका नाम सुनकर मूत निकल जाया करता था। जज साहब, ये वो अर्जुन रणावत है जिसके कारण अंडरवर्ल्ड वाले ये शहर तो क्या मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। योर ऑनर, अगर पुलिस फोर्स में अर्जुन और हैदर अली जैसे ऑफिसर्स नहीं होते ना, तो ये माफिया वाले पुलिस को अपना दल्ला और मुंबई शहर को अपना चकला बना चुके होते। मगर ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि अपना फर्ज निभाते हुए एक को बदनामी की मौत मिली और दूसरा इस कटघरे में खड़ा है। नमस्कार सर, मैं तानाजी मालुसरे। मुंबई पुलिस में एक छोटू सा हरदली है सर। कमिश्नर का कुर्सी पर बैठने वाले हर ऑफिसर का सेवा करने का ये अपना ड्यूटी है सर। और मैं वो कुर्सी से बंधेला है सर। लेकिन आज जो कुछ भी मैं बोलेगा उसके बाद मेरा नौकरी तो क्या, मेरा जान भी जा सकता है। जाते तो जाने दो साहब, परवा नहीं। लेकिन आज मैं सच बोल के रहेगा। दुनिया जानता है साहब, दुनिया, कि कैसा ये काशी त्रिवेदी बटदिशी ईमानदार सरकार को गिरा डाला, कैसा हमारा कमिश्नर साहब समर सिंह साहब का यूं चुटकियों में तबादला करा डाला। रातों रात इस काशी का पैर का तलवा चाटने वाला ये यशवंत देश पांडे, इसको रातों रात मुंबई शहर का कमिश्नर बना डाला। अरे देश पांड्या, देखता क्या है तू मेरे को? आ तुझा आईला, तुझा, तू रणावत साहब को गद्दार बोलता है भाई तू? अरे असली गद्दार तो तू है, तू और तेरा ये बाप मुख्यमंत्री काशीनाथ त्रिवेदी। जज साहब, अगर रणावत साहब गद्दार है तो सब गद्दार है, मैं गद्दार है, इस देश का हर ईमानदार पुलिस वाला गद्दार है। हाँ, हम सब गद्दार हैं। हम सब गद्दार हैं। हाँ हाँ, हम सब गद्दार हैं। हम सब गद्दार हैं। हम सब गद्दार हैं। जज साहब, ये साला त्यागी और ये हमारा कमिश्नर झूठ बोलता है ये। हाँ हाँ, झूठ बोलता है कमिश्नर, झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है ये। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये सब क्या चल रहा है? ये पुलिस वाले चिल्ला चिल्ला कर अदालत को धमका रहे हैं, गाली दे रहे हैं। अगर ये साबित क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर, ये सब वही हो रहा है जो हमारे काबिल वकील साहब चाहते थे। मैं तो इस अदालत में सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि ईमानदारी और सच्चाई अभी भी इस देश में मरी नहीं है। योर ऑनर, अगर झूठ बोलने वालों की संख्या 10 है तो सच बोलने वालों की संख्या 10,000 है। झूठ बोलता है कमिश्नर, झूठ बोलता है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर।
अब मैं अर्जुन रानावत की मां शकुंतला देवी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है शकुंतला देवी जी। कल जब अदालत आपके बेटे को देशद्रोही घोषित करके मृत्युदंड देगी तो क्या आपको इसकी मां होने की शर्मिंदगी नहीं होगी, अफसोस नहीं होगा? अफसोस, अफसोस तो इस बात का होगा कि मैंने इसे पैदा क्यों नहीं किया। अफसोस इस बात का होगा कि इस देश के हर माँ ने एक अर्जुन क्यों नहीं जना। अफसोस नहीं जज साहब, अर्जुन की मौत पर तो मुझे गर्व होगा, वैसा ही गर्व जैसे भगत सिंह की शहादत के रोज उसकी मां को हुआ होगा, हर देशवासी को हुआ होगा। जज साहब, इस जन्म में तो क्या मैं हर जन्म में अर्जुन की मां बनकर जीना और मरना चाहती हूं। वाह, क्या भाषण है, अद्भुत, लाजवाब। मगर मैं अदालत को याद दिला दूं कि यह एक सामूहिक हत्याकांड का मुकदमा है जिसका आरोपी अपना जुर्म कबूल कर चुका है। और जज साहब, मैं अपने काबिल वकील साहब को यह भी बताना चाहता हूं कि मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है, भाषणबाजियों, नौटंकियों और तमाशों से नहीं। और फिर जज साहब, जब आरोपी के वकील ने इसकी मां के जरिए इस हत्यारे की तुलना भगत सिंह से करवा ही दी है तो शहीद आजम की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मजबूरन मुझे एक बहुत ही शर्मनाक सच से पर्दा उठाना होगा, जिसके बाद दुनिया की हर मां, हर बहन शर्म से डूब जाना चाहेगी। और ये मां इसके तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी योर ऑनर। हाँ तो शकुंतला देवी जी, आप अदालत को बताइए कि 1 नवंबर की रात को आपकी बेटी राखी दीक्षित कहाँ थी? जवाब दीजिए शकुंतला देवी, सामूहिक हत्याकांड की रात आपकी बेटी और इसकी मुंह बोली बहन राखी दीक्षित कहाँ थी? जवाब दीजिए, कहाँ थी वो? तो तुम ही बताओ अर्जुन रानावत, 1 नवंबर की रात तुम्हारी मुंह बोली बहन राखी दीक्षित कहां थी? जवाब दो अर्जुन रानावत, चुप क्यों? इसका जवाब ना तुम दे सकोगे और ना तुम्हारी ये मां। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। योर ऑनर, 1 नवंबर की रात इसकी आवारा, बदचलन और चरित्रहीन बहन मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री के बेटे मुन्ना त्रिवेदी, पुलिस कमिश्नर के बेटे और अन्य कई लोगों के साथ रंगरलियां मना रही थी। वो एक हाई सोसाइटी कॉल गर्ल थी योर ऑनर, जिसके न सिर्फ इन मर्दों के साथ बल्कि अपने मुंह बोले भाई अर्जुन रानावत के साथ भी नाजायज ताल्लुकात थे। जो दिन में इसकी बहन और रात में इसकी रखैल थी, रख और खेल, रखैल त्यागी। इसने तो मारपीट शुरू कर दी। अरे कोई रोको इसे। ये तो सर। गार्ड, सिक्योरिटी! अरे पकड़ लो इसे! गार्ड, पकड़ लो इसे! पकड़ लो! अर्जुन, नहीं बेटे, नहीं बेटे, अर्जुन!
है। मैं कहती हूँ रुक जा, छोड़ दे उसे, तुझे मेरी कसम। देखा, देखा आपने योर ऑनर, सत्य का गला घोटने का इसे और कोई तरीका आता ही नहीं। ये अपने अलावा किसी और मर्द के राखी के साथ नाजायज ताल्लुका देख ही नहीं सकता। एक नवंबर की रात को जब इसने एक नहीं तीन तीन मर्दों को अपनी रखैल बहन के साथ बिस्तर में पाया तो इसी तरह अपना नियंत्रण खो बैठा और इसने वो भीषण नरसंहार कर डाला। योर ऑनर, जागे! ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर! आई से स्टॉप इट। समर सिंह, आपके मुवक्किल की एक और हिंसक हरकत मुझे इसी वक्त कार्रवाई रोककर फैसला सुनाने पर मजबूर कर देगी। सॉरी योर ऑनर। आज की कार्रवाई यहीं रोक दी जाती है, कल की कार्रवाई अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी में सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों की उपस्थिति में होगी। योर ऑनर, ये कुछ कागजात हैं जो मैं चीफ मिनिस्टर साहब और पुलिस कमिश्नर साहब को दे रहा हूं, आप जरा गौर फरमाइए। हां तो मुख्यमंत्री जी। जी। ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरे चुनाव प्रचार के पैम्फलेट्स हैं और ये मेरा अखबार मेरा भारत महान। क्या आप हमें ये बता सकेंगे कि ये कहां छपते हैं? मेरे अपने प्रिंटिंग प्रेस नागपुर में। गुड। हाँ तो पुलिस कमिश्नर साहब, आपके हाथ में क्या है? ये हैदर और अर्जुन रणावत के आईएसआई एजेंट्स होने के पाकिस्तानी दस्तावेज हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। लेबोरेटरी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन पाकिस्तानी दस्तावेजों की प्रिंटिंग की स्याही वही है जो मुख्यमंत्री जी के अखबार मेरा भारत महान की है। अब तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं योर ऑनर, या तो काशी त्रिवेदी जी का अखबार मेरा भारत महान पाकिस्तान में छपता है, और या फिर पाकिस्तानी दस्तावेज इनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र इंडिया में छपते हैं। योर ऑनर, ये दोनों महापुरुष इस जरा सी बात को भूल गए और इन्होंने अर्जुन और हैदर को देशद्रोही साबित करने के लिए अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में ये नकली पाकिस्तानी दस्तावेज छाप डाले। इन्हें गिरफ्तार किया जाए। योर ऑनर, ये अदालत को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये केस झूठे दस्तावेजों का नहीं बल्कि हत्या का है, और इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता कि आरोपी ने 18 हत्याएं की हैं। क्या आरोपी के वकील के पास है कोई ऐसी वजह जो इन हत्याओं को जायज ठहरा सके? वजह है योर ऑनर। तो बताइए वो वजह और अर्जुन को निर्दोष साबित कर दीजिए। आप खामोश क्यों है, बताइए ना वजह वकील साहब। वजह मैं जानता हूं योर ऑनर, लेकिन मैं अदालत को बता नहीं सकता। आप जानते हैं कि आपका यह बयान आरोपी को मृत्यु दंड दिला सकता है। हां जनाब, दे दीजिए अर्जुन को मृत्यु दंड। मैं अंतिम बार पूछता हूं कि हत्या की क्या वजह थी? जवाब दीजिए समर सिंह जी। इसे मृत्यु दंड दे दीजिए, मैं वजह नहीं बता सकता। योर ऑनर, We'll be right back.
योर ऑनर, वजह मैं बताऊंगी। नहीं राखी, तुम वापस लौट जाओ। मैं कहता हूं लौट जाओ राखी। तुम्हें मेरी कसम राखी, लौट जाओ यहां से। राखी तुम्हें मां का वास्ता है, लौट जाओ इस नर्क से। नहीं भैया, हमारे रिश्ते की सच्चाई बताने से आज मुझे कोई कसम, कोई भगवान भी नहीं रोक सकता। जिस बात ही मत बनो राखी, तुम बर्बाद हो जाओगी। हो जाने दो बर्बाद मुझे। आज मैं बता कर रहूंगी कि हकीकत क्या है। योर ऑनर, 1 नवंबर की रात इस सीएम का भाई डेप्यूटी सीएम बद्रीनाथ त्रिवेदी, अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सुपारी, इंस्पेक्टर अवस्थी, इस कमिश्नर का बेटा और इनके अभी मुझे किडनैप करके इसके फार्म हाउस पर ले गए। योर ऑनर, मेरा बलात्कार करने के लिए, गैंग रेप करने के लिए। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अर्जुन रिनावत, मैं जफर सुपारी। अगर हिम्मत है तो सीएम के फार्म हाउस पर आकर रोक ले अपनी बहन की इज्जत का इनकाउंटर। जफर सुपारी, शास्त्र बजा सर्वा दंड देवा।
यह है उस रात की हकीकत। क्या अब भी कोई जानना चाहता है कि मेरा भाई खामोश क्यों है और क्यों वो अपने लिए मौत मांग रहा है? रुक जाइए जज साहब। योर ऑनर, मैं एक सिपाही हूं। नहीं चाहिए मुझे जिंदगी की भीख, मुझे चाहिए विजय या वीरगति। दीजिए मुझे मृत्यु दंड, क्योंकि मैं फिर से लौट कर आऊंगा और अपने देश की गर्व की रक्षा में फिर से शस्त्र उठाऊंगा। क्योंकि अर्जुन रणभूमि में शस्त्र उठाते थे, उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे।